स्केच क्या है? आज हम टिप्पे और स्केच के बारे में जानेंगे। जो आप मार्केट में जाते हो और मिठाई खरीदते हो या डिब्बे में मिठाई लाते हैं ना, जैसे अभी आपका कौन सा त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो मिठाई लाओगे तो मिठाई डिब्बे में लाओगे ना। वो डिब्बा समथिंग कैसा होता है? ऐसा होता है वो डिब्बा, इसके ऊपर एक बॉक्स लगा होता है, ऐसे ही होता है ना। ऐसे नाम्या नाम की एक लड़की मिठाई खरीदने बाजार गई और दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज लिया और उसका तुरंत डिब्बा बना दिया, ठीक है, मिठाई का मिठाई को पैक कर दिया। इस चित्र को देखकर अपना डिब्बा खुद बनाओ और डिब्बा आप लोग खुद ही बनाकर लाएंगे कल घर से सभी लोग, ठीक है। ये डिब्बा किस आकृति में बना हुआ है कोई बता सकता है? हाँ खड़े हो जाओ। किस आकृति में है ये डिब्बा? आयत। ये डिब्बा आयत की आकृति में है। काय की आकृति में है? आयत। और इसमें अगर नीचे भी पैक है तो इसकी कितनी सतह है? एक दो तीन चार पाँच छः। कितनी सतह है? और ये क्या बन गया? अब ऐसे हो गया तो ये क्या घनाभ बन जाता है? क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? घनाभ। अब आगे चल आगे पढ़ेंगे। घन बनाना, एक वर्गाकार कागज की मदद से बुद्धा घन बनाना चाहता है। अब अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे कि घन क्या होता है। यह एक घन है। क्या है ये? क्या है ये? घन। घन है और इसकी कितनी परतें हैं? छह। कौन कौन सी? एक दो तीन चार पाँच छह। कितनी परतें हैं? छह परतें हैं इसकी। और ये कैसा है? वर्गाकार। कैसा है? वर्ग की क्या विशेषता रहती है? चारों भुजाएं कैसी होती है इसकी? बराबर होती है, ठीक है। ये आपका वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग। क्या बन गया ये? वर्ग। और ये आपका क्या बन गया? आयत। क्या बन गया? आयत, ठीक है। और अब जब वर्ग से बनी हुई आकृति हम क्या बता रहे हैं तुम्हें? घन कहलाती है, जिसकी परतें कितनी होती है? सतह छह होती है। तो वर्ग से अपन क्या बनाएंगे? घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घन बनाएंगे। ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? घन। और अब ये आयत से बनाएंगे क्या? घनाभ। क्या बनाएंगे? ये क्या बन गया आपका? क्या बन गया? इसको क्या कहते हैं? घन की कितनी परत होती है? घन की कितनी परत होती है? और घनाभ की? इसकी भी कितनी होती है? घनाभ की परत बराबर? अब आपने देखा आगे, बिना ढक्कन का डिब्बा। पार्ट तीन में तुमने पांच वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। तुमने देखा था किस तरह से पांच वर्गों से अलग अलग 12 आकृतियां बन सकती हैं। सभी लोग पार्ट तीन निकालेंगे। निकालिए सभी पार्ट तीन। पार्टी में क्या उन्होंने बताया? मजेदार की बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा मापे और वर्ग की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी कितनी आकृति बन सकती है। इस आयत में 12 बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान होता है, लेकिन इसके घेरों की लंबाइयां अलग अलग हैं। घेरों की लंबाइयों को परिमाप
किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है और किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है, ये उसमें बताया गया था आपको पार्ट तीन में। और अपन आ जाओ फिर पार्ट नौ पर, पार्ट नौ पर आ जाओ। आपके आसपास का घर कैसा है आप ये पता लगा सकते हैं। साहिल का घर किस आकार में बना हुआ है, वर्गाकार में बना हुआ है कि आयताकार बना हुआ है। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो घर कैसा होता है, वर्गाकार। वो कैसा घर होता है, वर्गाकार। और आयत में क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसे घन में हो जाता है। घन किससे मिलकर बना होता है, वर्ग से मिलकर बना होता है। और घनाभ किससे मिलकर बना होता है, आपके आसपास के घर का नल लिख के लाइए कि हमारा घर किस आकार में बना हुआ है। कमरा किस आकार में ये आया थे कि वर्ग में, ठीक है ये क्या ये वाली बुझाओ, ये वाली बुझा बराबर है इसकी, ये जो ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई बराबर है। ये कैसे वर्ग है, ये हमारा विशेषता क्या होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली और वो वाली, ये वाली और ये वाली बराबर है। तो कैसा है कमरा आपका, कैसा है कमरा, आयताकार है। कैसा है कमरा, आयताकार है। जब कमरे की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो कैसा हो जाता है, वो आयत नहीं होता है। चारों भुजाएं बराबर होती है तो वह कमरा कैसा हो जाता है, वर्गाकार। फर्श के नक्शे पर, फर्श के नक्शे पर आप लोग देखेंगे ये वर्ग का उदाहरण है, ये वर्ग का उदाहरण है। जो आपका एक टाइल्स लगा हुआ है ये क्या का उदाहरण है, वर्ग का उदाहरण है। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है, यहाँ विवाह के घर का फर्श नक्शा दिया जा रहा है। इसमें यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ होंगी, ठीक है। ये इन्होंने जो नक्शा बनाया है मैं आपको इस पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने चौके क्या है, ये 10x10 के होते हैं या 1-1 फीट का होता है, तो ये वर्गाकार वर्ग है। यदि उसमें भी लंबे हो छोटे या बड़े हो, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, फिर वो आयत हो जाएगा। आमने सामने के लिए भुजा बराबर है। देखिए ये क्या है, आपकी विंडो क्या है, ये विंडो, और ये डोर दरवाजा, ठीक है। और ये विंडो, ये विंडो ये किसी के घर के, ये विवाह नाम की एक लड़की है उसके घर के नक्शे का, फर्श के नक्शे का चित्र है, जिसमें जगह जगह पर बता दिया गया है कि यहाँ पर खिड़की लगनी है और यहाँ पर दरवाजा लगना है। अगर हम इसको ऐसा कर दें, इतना हिस्सा ले लें, तो ये कैसी बन जाएगी आकृति, इतना इतना हिस्सा ले लें तो ये आकृति कैसी कहलाएगी, वर्गाकार। और ऐसी ऐसी पूरी आकृति ये कैसा है बताइए आप, हैं? आयताकार है कि वर्गाकार है, आयताकार। घर के नक्शे को देखकर ये नहीं पता चलता कि घर कैसा दिखता होगा, खिड़कियां कितनी ऊंची है, इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं और जिसपे गहराई है जिससे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिख सके। एक तो ये हो गया तरीका, एक अपना